अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं हुआवे Y9prime 2019 वाला वेरिएंट। ये 34,000 रुपए की कंपनी प्राइस, 33,999 एक्चुअल जो प्राइस है उसके साथ यहां पे लॉन्च हुआ है। 4GB रैम, 128GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरियंट है। इस फ़ोन में काफ़ी खूबियाँ हैं और हम देखेंगे आज की अनबॉक्सिंग में कि क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे हमें हुआवे ने दिए हैं। तो सकते हैं अनबॉक्स करते हैं हुआवे Y9prime 2019 को। जो दोस्तों ये हमारे पास बॉक्स हुआवे Y9prime का, और बॉक्स की बात करें तो जैसे हुआवे के हमारे पास वाई सीरीज की बॉक्सेस आते हैं सेम एज इट इज़, इस तरह का यहाँ पे हमें Y9prime 2019 का बॉक्स भी मिलता है। तो इस तरफ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हुआवे Y9prime 2019 128GB रैम, 4GB रोम वाला ये वेरियंट है, और एमरलैंड ग्रीन कलर यहाँ पे ऑफिशियल कलर है, ऑफिशियल नेम है इस कलर का, वो दिया गया है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है हमारा फ़ोन। फ़ोन को मैं निकाल के एक तरफ रख लेता हूँ, और उसके बाद हमें ये वारंटी कार्ड हुआवे की तरफ से, और ये एक पैकेज मिलता है। इस पैकेज को हम अगर बाहर निकालें तो यहाँ पे ये सिम इजेक्टिंग टूल, और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क, यहाँ पे ये पेपर वर्क, और यहाँ पे बैक कवर जो कि सॉफ्ट सिलिकॉन का यहाँ पे हुआवे Y9 की तरफ से मिलता है। तो इसके अलावा मज़ीद बॉक्स कंटेंट की बात करें तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें हैंड फ्री भी मिल जाती है, और बेसिक हैंड फ्री है हुआवे की तरफ से जो हमें Y9prime 2019 के साथ मिलती है। चार्जिंग केबल मिलती है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये एक टाइप सी केबल है, चार्जिंग के लिए हमें टाइप सी केबल मिलती है इस फ़ोन के साथ। और ये हमारे पास चार्जर है। इस चार्जर की रेटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 5V 2A का यहाँ पर हमें चार्जर मिल जाता है Y9prime 2019 के साथ। बॉक्स को एक तरफ करेंगे और हम आते हैं फ़ोन की तरफ। फ़ोन को मैं बाहर निकालता हूँ, ये पैकिंग हमें मिलती है, इसको मैं रिव्यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है। 6.59 इंच की हुआवे अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले हमें मिलता है, और ऑटो पॉपअप सेल्फी कैमरा यहाँ पे हमें मिल जाता है, ट्रिपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज। बैक पे हमें 3 कैमराज मिलते हैं, 4GB 128GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरियंट, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसी तरह ये बैक पैनल है इसका, जिसमें हमें 3 कैमराज मिलते हैं, और इस तरह का ये एक बैक पैनल हमें मिलता है। फ़ोन को मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। जब तक पावर ऑन हो रहा है एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस तरफ हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, पावर बटन मिल जाता है, इस तरफ हमें स्पीकर ग्रिल मिलती है इस फ़ोन में, USB टाइप सी पोर्ट मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, 3.5mm ऑडियो जैक, और ये एक माइक हमें मिलता है। इस तरफ हम आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर की तरफ हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा, और ये सिम ट्रे मिलती है, और सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे हमें जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है इस फ़ोन के साथ। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिला है बहुत ही छोटा सा। तो फ़ोन हमारे पास पावर ऑन भी हो गया है, और यहाँ पे मैंने इसको सेटअप भी कर लिया है। सेटिंग में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे अबाउट फ़ोन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमारे पास अबाउट फ़ोन, डिवाइस नेम, जैसे डिवाइस नेम पहले ही शेयर कर चुका हूँ मैं, हुआवे Y9prime 2019, और इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड 9 के साथ हमें यह फ़ोन मिलता है। इंटरनल स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है, जिसमें से 115.51GB हमारे पास स्टोरेज फ्री होती है। 4GB की रैम मिलती है, हाई सिलिकन किरिन 710F का ये हमारे पास एक चिपसेट है जो हुआवे ने इस फ़ोन में दिया है। इसके अलावा एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो पाँच मई 2019 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच हमें मिल जाता है। अच्छा जी, बाहर आते हैं, और अब यहाँ पे हमारे पास जो फिंगरप्रिंट सेंसर है बैक पे यहाँ दिया गया है, इसकी टेस्टिंग करते हैं कि किस तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इस फ़ोन में दिया गया है। फिंगरप्रिंट आईडी, फिंगरप्रिंट मैनेजमेंट, 00000, फिर से 00000, ठीक है जी, न्यू फिंगरप्रिंट। अच्छा जी, मैं फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने जा रहा हूँ, और इनिशियली अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, बहुत तेज़ी से क्विकली और एक्यूरेटली यहाँ पर हमारे पास जो फिंगरप्रिंट है वो रजिस्टर्ड ये फ़ोन कर रहा है। अच्छा जी, फिंगर हमारे पास रजिस्टर्ड हो गई। अब मैं आऊँगा बैक पे। अच्छा जी, अब मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक कर लेता हूँ। यहाँ मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, फिंगर मैंने प्लेस की और ये अनलॉक, बहुत ही क्विक और बहुत ही एक्यूरेट, जैसे हमें नॉर्मली हुआवे के जो दूसरे फ़ोन्स हैं उनका जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वैसे ही फिंगरप्रिंट सेंसर परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें मिलती है। बैक में हमें 3 कैमराज मिलते हैं, तो इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिपल कैमराज हैं ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। जो दोस्तों ये इस फ़ोन के आपने बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा के जो सेल्फीज़ थे
वो आप लोगों ने देखे यहाँ पे। इसके अलावा मैं थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँगा, यहाँ पे कैमराज की कुछ डिटेल्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ट्रिपल कैमराज हमें मिलते हैं इस फ़ोन में, जिसमें से एक हमारे पास 16 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का वाइड जो है लेंस है हमें मिलता है। उसके बाद दूसरा जो लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का है, 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है, यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर करने का काम करता है। इन कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रंट यानी सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे हमें एक मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ, और इस कैमरा से भी हम 1080p 30 फ्रेम पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें LTPS IPS LCD मिलती है, 1080x2340 के पिक्सल्स मिलते हैं, 391 पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे हमें मिल जाती है। चिपसेट की बात करते हैं तो मैंने अभी जैसे आपको बताया हाई सिलिकन किरिन 710 का हमें चिपसेट मिलता है, 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ऑक्टा कोर सीपीयू है, 4 कोर्स हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड, और बाकी जो 4 कोर्स हैं वो 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड हैं। माली G51 MB4 का GPU हमें इस फ़ोन में मिलता है। ओवरऑल फ़ोन नो डाउट बहुत अच्छा है, डिज़ाइन सुपर है, पॉपअप सेल्फी कैमरा इसका मतलब एक मेन हाईलाइट है, और सबसे एक और बड़ी मेन हाईलाइट कि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस में आपको जिस हार्डवेयर के साथ और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन मिल रहा है, ऐसा कोई भी फ़ोन कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन फ़ोन है इस प्राइस रेंज में अगर हम बात करते हैं तो। जो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Huawei Y9prime 2019 की। सबसे जो हाईलाइट है इस फ़ोन का वो है ये हमारे पास सेल्फी कैमरा, जो अभी आपने देखा मोटराइज्ड सेल्फी कैमरा मिलता है, और बड़ी बात यह कि इस प्राइस रेंज में हमें Huawei Y9prime 2019 में ये कैमरा दे रहा है। इसके अलावा 4000mAh की बैटरी, 4GB रैम, 128GB बिल्ट इन स्टोरेज, और हाई सिलिकन किरिन 710F जो हमारे पास फ़ोन जो चिपसेट है वो हमें इस फ़ोन में मिल जाता है। तो ओवरऑल प्राइस के अतबार से अगर हम देखें तो यार नो डाउट ये बहुत अच्छा फ़ोन है इस प्राइस में, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस में ये तमाम फीचर्स, ये तमाम हार्डवेयर कोई भी कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Huawei Y9prime 2019 की। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, और बेल आइकॉन जब प्रेस करते हैं तो ऑल प्रेस कर लिया करें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली आपकी लॉक स्क्रीन तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।